सो विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसे आप कम्प्लीटली देखेंगे तो आप अपने पीसी को फॉर्मेट या इंस्टॉल कर सकेंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट होना है। जैसे आप विजिट होंगे आपको डाउनलोड विंडोज 10 का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं विंडोज 10। और विंडोज 10 सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे इसका URL चेक करना है, www.microsoft.com होना चाहिए। तब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है विंडोज 10 2022 अपडेट, मींस लेटेस्ट वर्जन का ये अपडेट है। आप चाहे तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया टूल को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो फर्स्ट हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद जो भी एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड हो गया है उस पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो विंडोज 10 अपडेट असिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और लेटेस्ट वर्जन अपडेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सो करंटली आई एम यूजिंग विंडोज 11, सो दैट्स वाई आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस मिल रहा है। सो मैं इसे क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद जो सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था विंडोज मीडिया टूल का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जस्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद ये एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। सो जैसे ही विंडोज 10 सेटअप पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे वेट करना है। और आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो यहाँ पे आप जल्द से जल्द विंडोज 10 की IOC इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे, या फिर यहाँ से ही आप विंडोज बूटेबल पेन ड्राइव भी क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे इजी मेथड बताने वाला हूँ। जैसे कि आप विंडोज ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो इजी सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकेंगे। सो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। सो गाइज, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है अपग्रेड दिस PC नाउ, मीन्स यहाँ पे जो भी आप करंटली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड हो जाता है। बट हमें यहाँ पे ISO फाइल जनरेट करनी है तो यहाँ पे आपको क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फ्लैश ड्राइव DVD और ISO फाइल लाइक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिकमेंडेड ऑप्शंस होते हैं, तो आप इसे अनक्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आर्किटेक्चर में आप बोथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 64-bit चाहे, 32-bit चाहे, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों भी चाहे तो आप यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे व्यूज द रिकमेंडेड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे USB फ्लैश ड्राइव क्रिएट करनी है, मीन्स कि मुझे बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मुझे बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए मेरी पेन ड्राइव PC से मुझे कनेक्ट करनी होगी। बट यहाँ पे बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ISO फाइल को सिलेक्ट करूँगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लाइक मैं इस ISO इमेज को मेरे किसी एक फोल्डर में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी विंडोज 10 ISO इमेज डाउनलोड कर दी है। तो आपको भी डाउनलोड करना है तो बस आपको सेव पे क्लिक करना है। सो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है तो मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करूँगा, और ये जो प्रोसेस है इसे भी मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा। और जो सेकेंड मेथड है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसके लिए आपको ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, उसमें जो भी आपको लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है उसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। लाइक यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं रूफस सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो चुका है। बस आपको उस पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे ड्राइव्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहा। फर्स्टली यहाँ पे मैं मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ।
सो पेन ड्राइव क्रिएट हो जाने के बाद आपको डिवाइस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। मेरी पेन ड्राइव 32 GB की है। उसके बाद आपको बूट सिलेक्शन में ISO इमेज सिलेक्ट करनी है और उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करके जो भी आपने ISO इमेज डाउनलोड की है उस पर आपको क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 पे क्लिक करूँगा और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको विंडोज़ 11 को कैसे बूटेबल क्रिएट करना है, देन उसे किस तरीके से इंस्टॉल करना है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आप आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, बूट प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसमें स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट वीडियो आप व्हाट इज़ विंडोज़ टू गो इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहे तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मैं फर्स्टली यहाँ पे स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद पार्टीशन स्कीम। सो ये पार्टीशन स्कीम क्या है और इसे किस तरीके से अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक करना है उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो क्रिएट किया है। सो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सभी को या एज अ डिफॉल्ट रख देता हूँ या फिर आप वॉल्यूम लेवल को यहाँ पे विंडोज 10 रीनेम दे सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन है आप उसे इनेबल कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से वार्निंग मैसेज मिलता है, जो भी आपके पेन ड्राइव में डेटा है वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप उसे यस करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि ये पूरी तरीके से ग्रीन हो जाने के बाद आपकी विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसके बाद आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल या फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी अपन विंडोज़ को किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसकी प्रोसेस जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पीसी को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद जो भी आपकी बूट की है उसे आपको प्रेस करना है। लाइक आपका जो भी मॉडल का मदरबोर्ड है उसे आप गूगल कर सकते हैं किस की से वो बूटेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे रिस्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों विंडोज़ को यहाँ पे बूट करने के बाद आपको इस तरीके से विंडोज़ सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जो सेटअप है वो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे वेट करना है। तो आपको एक्टिवेट विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है उस पर आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस तरीके से आपको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज ओनली पे क्लिक करके आपको जो भी आपकी ड्राइव है उसको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपको ओके पे प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करने के बाद जो भी आपकी पार्टीशन स्कीम है उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे 10 टू 15 मिनट यहाँ पे वेट करना है। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो विद इन 5 मिनट में ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन का सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। फाइनली आपकी सिस्टम रिस्टार्ट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से विंडोज 11 का सबसे फर्स्ट इंटरफेस मिल जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है। लाइक मैंने यहाँ पे मेरी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है, देन आपको यस पे क्लिक करना है। आपके कीबोर्ड का यहाँ पे लेआउट मेथड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लाइक इंग्लिश इंडिया यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, देन यस पे क्लिक कर देता हूँ। सेकंड कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्कीप पे क्लिक कर सकते हैं। तो स्कीप पे क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडोज 11 है वो यहाँ पे अपडेट के लिए यहाँ पे चेकिंग कर रही है, सो आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। तो सिस्टम अपडेट चेक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नेम देना है, लाइक यहाँ पे मैं यस टेक, यहाँ पे अंडरस्कोर यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैं यस देन अंडरस्कोर यहाँ पे टेक कर दूंगा। टेक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट मूवमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे 2 से 4 मिनट का समय लग सकता है, तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं।
गाइस देन आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है आपको यहाँ पे साइन इन करना है, या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड है आपको यहाँ पे एंटर करके साइन इन बटन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट पिन पे क्लिक करना है। तो क्रिएट पिन पे क्लिक करने के बाद आपको 4 to 6 डिजिट का यहाँ पे क्रिएट पिन यहाँ पे सेट करना है। सो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। और गाइस आपको यहाँ पे इंक्लूडिंग लेटर एंड सिंबल ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे इसे टिक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँ। देन गाइस आपको यहाँ पे प्रीवियसली सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसको आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो फाइनली आपको कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि यहाँ पे मैं इसे स्किप करूंगा और इस मेथड को भी यहाँ पे मैं स्किप करूंगा। तो गाइज फाइनली योर डिवाइस इज रेडी टू यूज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन सेटिंग यहाँ पे सेट करनी है, उसके लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से सेटिंग पैनल मिल जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको आपका जो भी मॉनिटर है उसकी साइज का रेजोल्यूशन जो भी है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मेरा 1920 मींस कि 1080p है, तो यहाँ पे मैं 1080p करूँगा और कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने कीप चेंजेस पे क्लिक किया तो आपका जो डिस्प्ले है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फाइनल स्टेप है वह है आपको अपने सिस्टम को अप टू डेट रखना है। लाइक मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूँगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको विंडोज अपडेट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो भी आपको अपडेट यहाँ पे शो हो रहा है उसे आपको यहाँ पे अपडेट करना है, या फिर आपको चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है। तो गाइज इस तरीके से आपको विंडोज 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।